खबर उज्जैन से आ रही है, जहां रेलवे स्टेशन की बुकिंग खिड़की के पास से 2 साल का बच्चा चोरी हो गया। मां अपने बेटे को बेंच पर लिटाकर दूध की बोतल धोने गई थी, इतने में ही उसका बच्चा गायब हो गया। रेलवे पुलिस एक मां से हमदर्दी और मदद की बजाय उससे बच्चा गायब होने का सबूत मांगती रही। महिला ने जीआरपी थाने के टीआई पर अभद्रता और थप्पड़ मारने के आरोप भी लगाए हैं। लोगों को जब ये घटना पता चली तो उनके हस्तक्षेप के बाद जीआरपी थाने ने सीसीटीवी चेक किया। इसमें आरोपी बच्चे को उठाकर ले जाते हुए दिखा, तब जाकर 28 घंटे बाद अपहरण की रिपोर्ट लिखी गई। उज्जैन के बागपुरा निवासी वैष्णवी पति श्रवण से झगड़ा होने पर 2 साल के बेटे वंश को लेकर 23 दिसंबर की रात रेलवे स्टेशन पहुंच गई। वह भोपाल में बड़ी माँ के घर जाने के लिए ट्रेन का इंतजार कर रही थी। 24 दिसंबर की सुबह 10:35 पर वह दूध की बोतल धोने के लिए बच्चे को प्लेटफॉर्म नंबर 1 स्थित बुकिंग खिड़की की बेंच पर लेटा कर गई। इतने में उसका बच्चा गायब हो गया। बच्चे को ना पाकर महिला बुरी तरह घबरा गई। जीआरपी थाने पहुंची, लेकिन यहां से पुलिस ने उसकी रिपोर्ट नहीं लिखी। महिला अकेले ही बच्चे की तलाश में पूरे स्टेशन और सड़कों पर भटकती रही। देर रात घर पहुंची, पति को बताया कि बच्चे को कोई उठा ले गया है। घर वाले भी ये सुनते ही बच्चे को खोजने में जुट गए। अगले दिन 25 दिसंबर की शाम 4 बजे फुटेज में बच्चे के अपहरण की पुष्टि होने के बाद पुलिस ने रिपोर्ट लिखी। इस लेट लतीफी में 28 घंटे का समय निकल गया। बच्चे का अभी तक पता नहीं चला है। एएसपी रेल राकेश खाका ने बताया कि बच्चे के अपहरण की जानकारी टीआई से मिली है। उसकी खोजबीन में भी जुटे हैं, लेकिन इस तरह रिपोर्ट लिखने में लापरवाही की गई है तो ये वाकई गंभीर घटना है। इसकी जांच कराई जाएगी। भाई